नमस्कार, टेक्सटाइल सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हीना। शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी और अहम खबरों से। सूरत में केंद्रीय कपड़ा और रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोस ने चैंबर के पदाधिकारियों को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में कोई मांग नहीं की जानी चाहिए। अगर आपको कोई मांग करनी हो तो मेरे कार्यालय में आए। सूरत टेक्सटाइल फैब्रिक की प्रदर्शनी विवनेट में एक्सक्लूसिव साड़ी और डिजाइनर फैब्रिक्स छा गए। चैंबर द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में दो दिन में 16,000 से अधिक बायर्स व मुलाकातियों ने विजिट की है। प्रदर्शनकारों को 75 करोड़ से ज्यादा का व्यापार जनरेट हुआ। सूरत चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा सूरत में पहली बार सूरत विवनेट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। शनिवार को उद्घाटन की गई प्रदर्शनी को पहले दिन 10,000 लोगों ने देखा। प्रदर्शनी के दूसरे दिन रविवार को 12,000 लोग पहुंचे। कोरोना काल में कपड़ा व्यवसाय ठीक से नहीं चलने से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे व्यापारी ने शनिवार दोपहर दुकान में फांसी लगा ली। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सूरत में शनिवार को तीन व्यापारियों ने आत्महत्या कर ली। पहले मामले में पाल के कपड़ा व्यापारी ने ट्रेन के सामने आकर जान दे दी। दूसरी घटना में अपनी दुकान में आर्थिक तंगी के कारण जान दे दी। तीसरी घटना में कापोद्रा के व्यापारी ने जहरीली दवा पी ली। अहमदाबाद में एक स्टार्टअप है जो सर्कुलर तकनीक की मदद से फसलों से निकलने वाले कचरे को कपड़े में बदलने का काम कर रहा है। स्टार्टअप का नाम है अल्टीमेट, जिसके संस्थापक शिखा शाह है। लॉकडाउन से डगमगाया बनारसी साड़ी का कारोबार करीब 1.5 साल बाद भी उबर नहीं पा रहे। इस बार भी त्योहार पर ज्यादा मांग न होने से करीब 1,000 साड़ी की गद्दियां बंदी की कगार पर है। अब की शारदीय नवरात्र में पश्चिम बंगाल से भी अच्छा ऑर्डर नहीं है। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रविवार शाम 5 बजे बैठक आयोजित की। उद्योगपतियों ने एंटी डंपिंग शुल्क और टफ की सब्सिडी सहित विभिन्न मुद्दों पर कपड़ा मंत्रालय के दोनों शीर्ष अधिकारियों को अभ्यावेदन किया। औरंगाबाद के ओबारा थाना क्षेत्र में एक मॉल में शनिवार की रात भीषण आग लग गई। मॉल के मालिक के अनुसार आग लगी इस घटना में करीब 50 लाख रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। पानीपत में कपड़ा बेचने व टेलरिंग की दुकान में आग लगने से मशीनें और कपड़े जल गए। पीड़ित के अनुसार आग के करीब 80,000 रुपए का नुकसान हो गया। वहीं लोगों की मदद से 3 घंटे में आग को काबू किया जा सका। आज के सुपर फास्ट खबरों में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि सारी टेक्सटाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।